जब राम इसको दर्शन देते हैं, भगवान इसको दर्शन देते हैं, तो भगवान से जरा आँख मांग के बता दे हमको। वो ये भी बात कर चुके हैं कि मुझे आँख नहीं चाहिए, मुझे इसी तरह सबकी दर्शन प्राप्त। हाँ, आँख क्या है, आँख उनको मिलेगी ही नहीं, आँख उसको मिलेगी ही नहीं, वो आँख चाहेगा क्या। यहाँ तक मैं सुना हूँ कि मुझे हर जन्म में अंधा भगवान पैदा करे, लेकिन ब्राह्मण कुल में पैदा करे। और मैं तो कहता हूं भगवान से कि अगर भगवान पैदा करते हैं व्यक्तियों को, तो मुझे जानवर बना देना, लेकिन ब्राह्मण कुल में मत पैदा करना। क्योंकि हम मेहनत कस लोग हैं, मेहनत पर भरोसा करते हैं, मेहनत से खाते हैं। हम जनता को भ्रमित नहीं कर सकते, हम जनता को अंधकार में नहीं डाल सकते, हम जनता के साथ ठग विधि नहीं कर सकते। ये राम भद्राचार्य जो हैं, और राम भद्राचार्य के जितनी अगल बगल वाले जितने संत हैं, मैं कुछ संतों का सम्मान करता हूं कि जो संत समाज को सही दिशा देते हैं, जो संत समाज को सच्चाई से अवगत कराते हैं। लेकिन राम भद्राचार्य जैसे आनर बेभर जो हैं, लंगड़े लूंज, ये सब केवल समाज को भ्रमित करते हैं। राम भद्राचार्य अगर इतने बड़े संत हैं, और राम भद्राचार्य के जितने सपोर्टर हैं, सिर्फ एक बात मुझे बता दें कि मुंह से खाने वाली चीज आमाशय में जाएगी कि गर्भाशय में जाएगी, इसी को ये सिद्ध करके बता दे, मैं राम भद्राचार्य को मान जाऊंगा कि भगवान का दर्शन करते होंगे। इसी को सिद्ध करे पूरे भारत के संत जितनी हैं, जितनी धर्मा गुरु हैं, जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, सब बताएं कि मुंह से खाने वाली चीज आमाशय में जाएगी कि गर्भाशय में जाएगी, मुंह से खाने वाली चीज से क्या गर्भ में बच्चा बन सकता है कि नहीं बन सकता, पहले संत इसी बात का जवाब दे। दूसरी चीज, पूरे भारत के शंकराचार्य, पूरे भारत के जगत गुरु, और पूरे भारत के जितनी भी संत मंडली है, संत मंडली हमें ये बताए कि शिक्षा विद्यालय से मिलता है कि शिक्षा मंदिर से मिलता है। अगर ये नहीं बताएंगे तो हम किसी भी हालत में इस देश का 85 मूल निवासी समाज अब धर्म को मान करके आपको मानने वाला नहीं है। इस चीज को ध्यान में रख लेना। और राम भद्राचार्य जी, क्या कहूं मैं आपको, जो राम को न भजे वो चमार है। कितना बार अपने नाम के आगे तुम्हारे लोगों ने राम लगाया है, राम को ढोने वाला चमार समाज है। गुरहु राम, कतवारु राम, जिसके नाम के आगे राम लिख दिया जाता है, उसके सब कहते हैं कि ये दलित समाज का होगा, ये चमार समाज का होगा, ये शोषित समाज का होगा। अपने नाम के आगे पांडे मिश्रा चौबे तिवारी लगाते हो और राम को अपनी बपहंसी समझते हो। और इस देश की जनता को गुमराह करना बंद करो। चमार एक ऐसी कौम है कि राम भद्राचार्य चिकनाए हुए हैं, अंधा के बाद भी सम्मान मिल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर महार समाज के थे, चमार समाज के थे, नीच समाज के थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसी कलम चलाया कि हराम की खाने वाले जितनी चिकना रहे हैं बैठ करके, इनका भी सम्मान दिन पर दिन बढ़ रहा है। इस देश में अगर शानदार कोई कौम है तो चमार कौम है। और राम भद्राचार्य जी, एक बात और सुन लीजिए, आप किसी चमार से कम नहीं हो। क्योंकि चमार उसको कहते हैं जिसकी शरीर चमड़े से, संत गुरु रैदास ने इस पर चमार शब्द पर व्याख्या किया है, च से चमड़ा, म से मांस, र से रक्त। अगर तुम्हारे शरीर में मांस न हो, तुम्हारे शरीर में रक्त न हो, तो तुम अपने आप को ब्राह्मण साबित करो। जिसके शरीर में चाम है, हाड़ है, मांस है, रक्त है, वो सारे चमार है। मैं कह रहा हूं इस पर डिबेट करें ये अंधा। ये कहा जाता है कि जहां रुख न परास वहां रेणवे प्रधान, इसीलिए इनके बाप ने लिखा था कि देश में शूद्र समाज को किसी भी हालत में पढ़ने का अधिकार मत देना। क्योंकि ये समाज जब पढ़ेगा विद्वान बनेगा, विद्वान के साथ तर्कवान बनेगा, और इतना तर्क करेगा कि हमारे सारे पाखंडों का पर्दाफाश करेगा। तो ये जितनी हमारे मूल निवासी समाज में 6,500 जातियों में बिखरे समाज में ये जितनी गोबर भरने में ट्रेंड हैं, वही उतनी बड़े संत हैं। ये बताएं हमको कि इनको डिग्री राम भद्राचार्य, इसका नाम अलग है, अभी बताऊंगा नहीं, अपने विराह में खोलूंगा, विराह गाने वाला हूं मैं इसका।
जी सर। इसका बेटा है यही जौनपुर का रहने वाला है ये जी। लेकिन इस देश पर और इस देश के मानव समाज पर इस तरीके की टिप्पणी अगर राम भद्राचार्य करते हैं तो किसी हालत में हम आपको संत नहीं, आपको लंड कहेंगे और आपको हम मानने वाले नहीं है। जिसके आप बाप हो आपको माने, संत की मर्यादा संत की गरिमा को समझने का प्रयास करें राम भद्राचार्य जी। जी सर। हम नहीं बोलते हैं, हम आदर करते हैं, हम चढ़ावा चढ़ाते हैं, हमारे लिए आपने भाषा बोला है, ये किसी ब्राह्मणों के लिए नहीं बोले हैं, ये हम लोगों के लिए बोले हैं कि जो राम को नहीं भजता वो चबार, हम राम पर थूकते भी नहीं है। भजने की जो बात अलग है, कहां है राम, किसका राम है, कौन राम है, ये समझा रहे हैं कि दशरथ के बेटे राम हैं, दशरथ कहां पैदा थे, यही स्पष्टीकरण दे दे हमें राम भद्राचार्य जी, दशरथ कहां पैदा थे, और दशरथ जब धरती खोदने से पैदा हुए तो दशरथ के बाप अज कैसे पैदा हुए, उनके बाप रघु कैसे पैदा हुए, इसी बात का जवाब दे भद्राचार्य। ये जानते हैं कि समाज इतना लणबक मूर्ख हो गया है, ये समाज एकदम नहीं जानता है, जो ये कहेंगे जो ये भूकेंगे वही ये समाज मान लेगा, अब समाज नहीं मानेगा, क्योंकि इसी प्रवचन की वजह से हमारे समाज को आप लोगों ने पशु बना दिया। आज हमारा समाज हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने में डर रहा है, अगर हक अधिकार की लड़ाई की बात हमारा समाज करता है तो तुम लोग उठा के उसको जेल में डालते हो, फर्जी मुकदमा गाजते हो। अब ये समाज अंत संत की बात को मानने वाला नहीं है, अब ये समाज विज्ञान की तरफ चलेगा, साइंस की तरफ चलेगा, शिक्षा की तरफ चलेगा, मंदिर के तरफ जाने वाला नहीं है भद्राचार्य जी। इस चीज को अपने ध्यान में रख लीजिए। मैं गांव का छोटा सा किसान बोल रहा हूं, ऐसी बात नहीं है कि मोदी जी आपके कंधे पर हाथ रख दिए तो आप सबके भाग विधाता हो गए, आप पहले अपने भाग को तलाशो। हर जन्म में मुझे पंडित कुल में पैदा करे, आंख भले ना हो, आंख नहीं रहेगी तो करोगे क्या, कितनी अध्ययन आप करते हो हम जानते हैं, और अध्ययन कौन करवाता ये भी जानते हैं। ये मत सिखाओ कि हमें आंख नहीं है तो हमें आत्मज्ञान, आत्मज्ञान हमें भी है, हम भी जानते हैं आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है, हमको भी आत्मज्ञान है। अगर हैसियत है तुम्हारी, बहुत बड़े संत हो, हम श्लोक नहीं लिखते, हम श्लोक नहीं पढ़ते, लेकिन हम समाज को जानते हैं, हम समाज को पढ़ते हैं, सिर्फ हमें बात सामने सामना डिबेट कर लो हमसे, जब हैसियत हो तुम लोगों की, हम बताते तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे जातियों को, तुम्हारे भगवानों को, तुम्हारे ग्रंथों को, तुम्हारा ग्रंथ हमें क्या दिया, तुम्हारे भगवानों ने हमें क्या दिया, तुम लोगों ने क्या दिया है। अब ये समाज इतना मूर्ख नहीं रह गया, और ना ही ये मूर्ख समाज आप लोगों को ढोएगा। जो एकदम महामूर्ख हैं वो आपके अगल बगल हैं, लेकिन हम प्रयास में हैं कि हम पूरे समाज को संभ्रांत समाज बनाएं, और इस पाखंड से बाहर निकाल करके, इस ढोंग से बाहर निकाल करके, इस अंधविश्वास से बाहर निकाल करके इस समाज को हम भौतिकवादी विचारधारा की तरफ लेकर के चलेंगे। हमारा ये संकल्प है। राम भद्राचार्य जी, बहुत ज्यादा चालाक बनने का प्रयास मत करिए कि आप श्लोक लिखते हैं, आप श्लोक पढ़ते हैं, आंख नहीं है। अरे आदमी को पढ़ने का ज्ञान है, आंख रहे चाहे न रहे आदमी कुछ भी कर सकता है। पूरी जन्म कुंडली आपकी हम खोलने वाले हैं, आप कब संत बने, आप कब आंख के अंधे हुए, आंख के अंधे आप कब हुए, आपको बड़का संत क्यों कहा गया। हम जिसके ऊपर नजर रखते हैं हम पूरी जन्म कुंडली तलाशते हैं उसकी। तो इसलिए राम भद्राचार्य जी मैं आपसे अपील करूंगा कि अगर संत है तो संत की मर्यादा में रहिए, उलूल जुलूल बयान वहां से मत दीजिए। और राम भद्राचार्य जी क्या कहूं मैं आपको, जो राम को न भजे वो चमार है। कितना बार अपने नाम के आगे तुम्हारे लोगों ने राम लगाया है, राम को ढोने वाला चमार समाज है। घुरहू राम, कतवारू राम, जिसके नाम के आगे राम लिख दिया जाता है उसके सब कहते हैं कि ये दलित समाज का होगा, ये चमार समाज का होगा। अपने नाम के आगे पांडे मिश्रा चौबे तिवारी लगाते हो और राम को अपनी बपंसी समझते हो। ईश्वर को नहीं देखते हैं, वो आंख का अंधा है लेकिन दिमाग से तेज है वो। इस देश में 85 मूल निवासी समाज को गोबर भरने में वो बहुत तेज है। संत की ड्यूटी क्या है,
ये हराम की खा के पेट फूड़ा फूड़ा चिकनाए हैं। यही राम भद्राचार कहा कि मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। मुलायम और कांसी राम अपराधी थे, जन नायक थे, जन सेवक थे, समाज के लिए लड़ रहे थे, और ये अंधा जो है ये समाज को गुमराह करके ये मोदी का सबसे बड़ा दलाल है, ये भी आप जान लीजिए। तो ऐसे संत ही देश को बर्बाद कर रहे हैं, और ऐसे संतों को मैं संत नहीं, मैं इनको लंट मानता हूँ। ये अगर आंख होती ना ये होता जेल में। भगवान इसको दर्शन देते हैं तो भगवान से जरा आंख मांग के बता दे हमको। आज हमारे चैनल पर बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, मेरा क्वेश्चन आज आपसे यह है कि स्वामी राम भद्राचार्य जी बोले हैं कि जो श्री रामचंद्र जी को नहीं पूजेगा वही चमार है, तो उनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? वो जो अंधा है जी, उनको दिखाई नहीं देता है, उनको संतों का प्रधानमंत्री कहा जाता है सर। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल को, अपने श्रोताओं को सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। और स्वामी राम भद्राचार्य को क्या कहूँ, जिसके पास आँखें नहीं है, जिसके पास आँख नहीं हो उसका आधा अंग आधा दिमाग गायब होता है। जो आँख नहीं है जिसके पास, वो देख तो सकता नहीं। नहीं सर, वो स्वयं भगवान को देखते हैं, है? स्वयं ईश्वर को ही देखते हैं सर, भद्राचार्य जी। जी। अच्छा कई ईश्वर के देखले हो भद्राचार्य, तनी भद्राचार्य हमके बतावे हैं कि ब्रह्मा की चार मुड़ी रह कि तीन गो रह। ईश्वर को नहीं देखते हैं, वो आँख का अंधा है लेकिन दिमाग से तेज है वो। इस देश में 85 मूल निवासी समाज को गोबर भरने में वो बहुत तेज है। पता नहीं है राम भद्राचार्य को कि चमार का अर्थ क्या होता है, और संत की परिभाषा क्या होती है, संत किसको कहते हैं। आप जानते हैं कि ये अंधा है, बहुत बड़ा संत है, ये अंधा श्लोक लिखता है, ये अंधा श्लोक पढ़ता है, इसलिए लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं कि इसको आत्मज्ञान है। कुछ थोड़ा भी व्यक्ति के अंदर सोच हो ना, थोड़ा भी, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, तो आदमी समझ जाएगा। राम भद्राचार्य एक तो आंख के अंधे, दूसरी चीज की संतई से हजारों कोस दूर हैं। संत की परिभाषा का इनको पता नहीं कि संत का मतलब क्या होता है, संत का माइनर क्या होता है, संत कहते किसे हैं, संत की विचारधारा क्या होती है, संत की ड्यूटी क्या है। ये हराम की खा के पेट फूड़ा फूड़ा चिकनाए हैं। यही राम भद्राचार्य कहा कि मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। मुलायम और कांसी राम अपराधी थे, जन नायक थे, जन सेवक थे, समाज के लिए लड़ रहे थे, और ये अंधा जो है ये समाज को गुमराह करके ये मोदी का सबसे बड़ा दलाल है, ये भी आप जान लीजिए। अभी मैंने एक दिन देख रहा था, ये अंधा ज्ञान बांट रहा था, प्रधानमंत्री इसका ज्ञान सुन रहा था, इस श्लोक पढ़ रहा कि मैंने 60,000 से ज्यादा इस श्लोक अब तक लिख चुका हूं। अरे तुम्हारे इस श्लोक से क्या मतलब है? पूछ ना अंधे अपने प्रधानमंत्री से, ये वादा करके आए थे कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे जी। ये नहीं पूछ पा रहे हो? तो ऐसे संत ही देश को बर्बाद कर रहे हैं, और ऐसे संतों को मैं संत नहीं, मैं इनको लंट मानता हूं।